पिछले छत्तीस घंटों से सुअर की तरह पड़ा है छुट्टी क्या मिल जाती है अदमरा हो जाता है पीने तुम दोगी नहीं सोने तुम दोगी नहीं चाहती क्या हो तुम एक बार ही में ही मिक्सर में डाल के घुमा दो हमें पी जाओ जब से लड्डू हुआ है कानपुर से बाहर नहीं गई हूँ वैसे तो छोड़ो छुट्टी में भी ख्याल नहीं आता कि कहीं घूम आए छुट्टी का मतलब पता है छुट्टी का मतलब होता है छुट्टी हर चीज से छुट्टी खाओ पियो चादर तान के सो जाओ घूमने जाना है घूमने जाना है ना जाके एक बोतल टिका लो। घूम जाओगी ठीक है अब मैं भी तुमसे छुट्टी लेती हूँ जा रही हूँ मायके अपनी मर्जी से वापस आऊंगी वापस भी क्यों आना है यहाँ नौकरी थोड़ी ना करती हूँ जाओ जाओ योर फायर नमस्ते भाभी जी अरे ये क्या हाथ में बैग चेहरे पे गुस्सा सब सही है ना? <laughs> यहाँ से सबको काम से निकाल दिया है लंबी छुट्टी पे जा रहे हैं सब तुम भी जाओ यहाँ से अब मैं मर भी जाऊंगी ना तो भी वापस नहीं आऊंगी। अरे अरे ऐसा क्या हो गया कि बात यहाँ तक पहुँच गई? एक हफ्ते की छुट्टी मिली है उसमें से भी दो दिन से लाश की तरह पड़ा है ये नहीं कि कहीं घूम आए थोड़ा बीवी बच्चों के साथ टाइम स्पेंड कर लें। अरे भाभी जी ये तो घर घर की कहानी है लेकिन शुक्ला जी का फर्ज तो बनता है कुछ नहीं तो आस कहीं डिनर विनर ही करवाना चाहिए अब मुझे देख लो अपनी बीवी के चेहरे पे शिकन भी नहीं आने देता हूँ कभी ऐसे ही गिफ्ट ले आता हूँ कभी डिनर बना देता हूँ कभी पिक्चर दिखा देता हूँ नहीं तो कभी लॉन्ग ड्राइव पे ले जाता हूँ अब गिनाने बैठूंगा तो कि हम ही सबसे सुखी कपल है।, है कितना फेंकता है कितना फेंकता है एक दिन फेंक फेंक मर जाएगा तू अरे सच कह रहे हैं अभी एक हफ्ते बाद बाली जाने का प्लान है भाई देखा बाली जा रहे हैं तुमने आज तक एक बाली तक खरीद के दी है हमें अरे भाभी जी कहाँ इंडोनेशिया का बाली और कहाँ कान का बाली तू चुप हो जा तेरे जैसे लोगों की वजह से ही तो होता है सब वाह कोई अच्छा पति है तो बुरा है अरे भाभी जी हम कोई रोल मॉडल थोड़ी है <laughs> <laughs> कहाँ है कहाँ है हरामी कुत्ता एक काम के लिए कहो तो जन्म लगा देता घर का दरवाजा खुला छोड़ के आया बिल्ली आके सारा दूध पी अ क्या हुआ डार्लिंग मैं घर पे ही आ रहा था अच्छा डार्लिंग गोबर में भिगा के एक जूता मारूंगी जबड़ा तोड़ दूंगी तेरा अरे भाभी जी ये आप क्या बोल रही हैं? आप लोगों की जोड़ी तो मिसाल है ये गाली गलौज अच्छा नहीं लगता आपकी मुझे क्या बोल रहे हैं शुक्ला जी हमने सुना है कि आपके पति आपको सराखों पर रखते हैं, फिर भी इतना गुस्सा अरे शुक्ला जी चुप रहो सराखों पर अरे ऐसा पति किसी जानवर को भी ना मिले क्यों भाभी जी क्यों? मरवाओगे क्या घर में बस डेला जैसा पड़ा रहता है कुछ काम के लिए बोल दो तो पूरे दिन के लिए गायब दुकान भी हम ही संभाले घर भी हम ही संभाले कोई काम का नहीं है ये क्या बात कर रही हो आपका पति भी नल्ला है एक नंबर का नल्ला है ये ये तो कह रहा था कि आपको घुमाने ले जाता है शॉपिंग डिनर और, और क्या बता रहे थे तुम माफ कर दो यार ये हरामी का पिल्ला हमारे साथ बाजार तक नहीं जाता घुमाने कहा ले जाएगा ये? अरे ऐसा मत बोलो ना डार्लिंग, हम दोनों एक दूसरे से प्यार नहीं करते हैं क्या प्यार प्यार आए, 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 चलो तुम्हें तो प्यार दिखाते अरे, हैं। अरे, अरे डार्लिंग अरे 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 सब देख रहे हैं अरे 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 तुम रुक क्यों गई तुम तो मायके जा रही थी ना अपने बच्चों के लिए जी रहे हैं वरना कब की छोड़ के चले गए होते लो एक और बहाना मिल गया मैं। आ, उठ जाओ।